इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं। सर रिकॉर्डिंग हाँ जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों सर। को? तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना पूरा? यस सर। हाँ, ठीक है। कहीं पे कुछ विजिबिलिटी का दिक्कत भी बताइएगा ना। तो आज हम लोग देखते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो लेजर पॉइंटर यूज करता हूँ मैं इसमें, ठीक। तो जो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए करते हैं। तो इसको आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि द मार्केटिंग भी रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्शन टैक्टिक्स दैट कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है, अगर हम अपने प्रोडक्ट या फिर ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो किन किन चीजों को मिला के हम लोगों को बताएंगे, है ना। तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। देखिए आपका सेट ऑफ एक्शन होते हैं, है ना, टैक्टिक्स टैक्टिक्स हो सकते हैं जिसको कंपनी यूज करती है जिसे अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग मिक्स का एक डेफिनेशन है। इसका एक और डेफिनेशन है कि सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। तो अपने जो टारगेट मार्केट है उसमें अपने जो मार्केटिंग टूल्स हैं उसके यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। विपणन उपकरणों का सेट जो फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों के को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। तो क्या होता है कि हर मार्केटिंग वालों का एक टारगेट होता है, मतलब टारगेट मार्केट होता है। तो वहां पे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन मार्केटिंग टूल्स का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग टूल्स। इसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम मेन हमको टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए, है ना, और अपने जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको अचीव करने के लिए जो हम लोग मार्केटिंग टूल्स का यूज करते हैं, सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहेंगे इसी को, ठीक। तो इसकी जो शुरुआत कब हुई थी इसको देखते हैं ना, इसकी हिस्ट्री में देखते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, मार्केटिंग मिक्स का जो स्टार्ट हुआ था वो 1940s के आसपास में हुआ था। ये 1940s के आसपास में, तो यहाँ पे 1948 में प्रोफेसर जेम्स कलिंगटन ने अपने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें उसका उसका जो नाम था वो था द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इस प्रकार के वर्ड, तो मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट को यूज किया था, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। और जो एग्जैक्ट जो मार्केटिंग मिक्स का जो प्रयोग है सबसे पहले हुआ था इसको, ये सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं दोनों, ठीक है। ये प्रोफेसर नेल बॉर्डन और ये प्रोफेसर जेम्स कलिंगटन। तो मार्केटिंग मिक्स का सबसे पहला प्रयोग प्रोफेसर नेल बॉर्डन ने किया था। तो कई बार जैसे एग्जाम में आता है इसमें सबसे पहले कौन यूज किया था, तो उसका नाम इसको आप इसको लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों 1940s के दौरान में रहे हैं ये, ठीक है। तो इनका 1949 के आसपास में कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इन्हें बताया कि सबसे पहला यूज ये इनने किया इसको, मार्केटिंग मिक्स का। और इन्होंने जो यूज किया था, प्रोडक्टर ने इन्होंने मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स के रूप में उपयोग किया था इसका, ठीक है। मतलब मार्केटिंग में हम अगर प्रमोट कर रहे हैं तो किन किन मिक्सचर को हम मिलाएंगे अपने कंपोनेंट्स को और जिसके थ्रू हम उसको प्रमोट करेंगे। और जो एग्जैक्ट जो 4 P's के बारे में जो बताए थे वो बताए थे 1960 में, ठीक है। 1960 में बताया गया था ई जेरोम मेकार्थी। तो ये बहुत फेमस नाम है ये, और इनको इंडस्ट्री में सभी ने इसको एक्सेप्ट किया था। फिर इन्होंने जो 4 P's बताए थे है ना, जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, है ना। तो जो प्लेस होता है बेसिकली क्या होता है, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ये,
ठीक है, तो ये फोर पीस के बारे में 1960 में ई जेरम मैकार्थी ने बताया था। तो इनको थोड़ा देखते हैं क्या चीजें होती हैं ये, है ना, ऐसे तो आप लोग जानते हैं। तो ये होता है आपका मार्केटिंग मिक्स। तो ये जो बनाया जाता है वो टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ये जो प्रोडक्ट है तो टारगेट मार्केट को क्या चाहिए है ना, उस वहां पे पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है ना, प्राइस पर्टिकुलर सेट करते हैं ताकि वो टारगेट मार्केट को ले सके, और टारगेट मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रमोशन किए जाते हैं। तो जो भी किया जाता है ना, जो चारों पी को डिजाइन किया जाता है वो टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, अ प्रोडक्ट रिफर्स टू एन आइटम दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड और वांट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि वो चीज होती है जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। आपका टेंजिबल भी हो सकता है और ये इंटेंजिबल भी हो सकता है। इंटेंजिबल में क्या होगा, आपका सर्विस आइडिया या फिर एक्सपीरियंस होगा, है ना, हमने स्कोप ऑफ मार्केटिंग में देखे थे, है ना, और टेंजिबल में गुड्स हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक जो मार्केटर्स क्या क्या डिसीजन लेते हैं उसको देखते हैं ना? तो टिपिकल डिसीजन, टिपिकल मार्केटिंग डिसीजंस। तो इसमें प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं कि उसमें फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होंगी, है ना, क्या इसका डायमेंशन होगा ना, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट मतलब उसका मिश्रण क्या क्या होगा, प्रोडक्ट में रेंज कितने होंगे, प्रोडक्ट मिक्स क्या होंगे, प्रोडक्ट लाइन। तो ये सब अभी हम लोग जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, जैसा हम देखेंगे ना, प्रोडक्ट लाइन क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट रेंज क्या होता है ना, उस एक प्रोडक्ट का प्रॉपर ब्रांडिंग होना चाहिए। तो एक जो कंपनी होती है ये सारे डिसीजन रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग की जाती है, पैकेजिंग और लेबलिंग होता है ना, जिससे लोग उसको प्रॉपर प्रोडक्शन मिल सके, है ना। तो पैकेजिंग किस लिए किया जा रहा है, ताकि उस प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोडक्शन मिल सके और प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो। लेबलिंग करते हैं ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को पता चल सके। और इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी दी जाती हैं, ऑफर से सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विस ये सब भी आप जब किसी प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं ये सब काफी प्री स्पेसिफाइड होती हैं, उसकी गारंटी होती है, वारंटीज होती हैं, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, है ना, मैनेजिंग प्रोडक्ट थ्रू लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होता है, तो सभी पे सभी जो स्टेजेस होती हैं उसमें प्रोडक्ट को प्रॉपरली हैंडल किया जाता है, ठीक है, उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है, जिसे आप लोग नोट करेंगे तो उसको आप नोट कर सकते हैं। तो वैसे ये सेकंड जो पी है वो है प्राइस। तो प्राइस क्या होता है, प्राइस रिफर्स टू द अमाउंट अ कस्टमर पे फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के लिए पे करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे। प्राइस में आल्सो रिफर्स टू द सैक्रिफाइस कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू मेक एक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर का एक प्राइस क्या होता है, कंज्यूमर का सैक्रिफाइस हो सकता है, बलिदान हो सकता है, जो किसी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए वो प्रॉफिट मतलब अपने पैसे को पे करता है, ठीक है। तो प्राइस में आल्सो रिफर टू द सैक्रिफाइस कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू मेक एक्वायर ए प्रॉफिट, है ना, वो अपना टाइम देता है या फिर अपना एफर्ट देता है। प्राइस इज ऑन द वेरिएबल दैट इंप्लिकेट्स इंप्लीकेशंस फॉर रेवेन्यू, है ना। तो जो चारों पीज में पी प्राइस एक ऐसा पी है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। प्राइस आल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। तो प्राइस जो होता है वो कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, वो है ना। तो किसी का मूल्य हम कुछ पे करते हैं तो हम उससे संबंधित कुछ का वैल्यू लेना पसंद करेंगे, मतलब हम उसके सापेक्ष हमको कुछ ना कुछ हो सकते हैं मतलब उसका यूज वैल्यू हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या होता है, यूज वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं। तो प्राइसिंग में हम क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, टिपिकल मार्केटिंग डिसीजंस। तो इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट की जाती है ना, तो प्राइसिंग हम स्ट्रेटजी देखेंगे या प्राइसिंग पढ़ेंगे तो, और प्राइस सेट किया जाता है ना, तो बाजार की कंडीशन के हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। इसमें अलाउंसेस कुछ रखे जाते हैं, रिबेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर लोग के लिए कुछ छूट रखी जाती है, कस्टमर कुछ डिस्काउंट रखे जाते हैं, उसमें पेमेंट टर्म डिसाइड करते हैं, क्रेडिट में होगा कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, है ना, मेथड को हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब टिपिकल डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग प्राइसिंग। तो ये सब हमने हिंदी में भी इसको लिखे हैं, सो आपको नोट कर लीजिएगा, आपको हिंदी में नोट करना है तो। नेक्स्ट होता है तीसरा पी है इसमें प्लेस। तो प्लेस क्या होता है, रिफर्स टू द प्रोवाइडिंग कस्टमर कस्टमर एक्सेस। तो प्लेस वो जगह होती है जहाँ पे कस्टमर को सुविधाएं प्रदान की जाती है, ना, कंसीडरिंग प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर। तो ये उपभोक्ता को सुविधा प्रदान करता है ये प्लेस,
ठीक है, तो प्लेस वो जगह होती है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रदान करते हैं। तो इसमें जो मार्केटिंग डिसीजन ध्यान में रखे जाते हैं वो है स्ट्रेटजी सच एज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन में इसको देखेंगे, स्ट्रेटजीज क्या होती है, इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें फ्रेंचाइजीज ध्यान में रखा जाए जिनके थ्रू हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मार्केट कवरेज किन किन मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाएगा, है ना, चैनल मेंबर सिलेक्शन, किन किन चैनल मेंबर के हम थ्रू जाएगा, है ना, कितने सारे हमारे होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, ये सबको ध्यान रखते हैं, कितने सारे चैनल मेंबर होंगे, है ना, और चैनल मेंबर के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, है ना, असॉर्टमेंट मतलब प्रोडक्ट का मिश्रण उनको दिया जाता है, लोकेशन डिसीजन किन किन लोकेशन पे हमको प्रोडक्ट पहुंचाना है, इन्वेंट्रीज कितना इन्वेंट्रीज एक समय में हमको रखना है, ना, मिनिमम एंट्री लेवल कितना होगा जिसके बाद फिर से ऑर्डर किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, तो सारे निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, प्लेस से रिगार्डिंग। तो ये सब आप हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है ना, जो फोर्थ पी है, तो फोर्थ ये क्या होता है, प्रमोशन रिफर्स फॉर ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये प्रमोशन क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू क्या रहते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट को लोग खरीदे, है ना, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें जो चार एलिमेंट्स होते हैं वो है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। तो ये चार एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्या प्रमोशन भी कहते हैं ना, इसको और आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं तो वो होता है प्रमोशनल मिक्स। तो इसमें इनके बीच में प्रॉपर बैलेंस करते हैं, हमको कुछ हिस्सा में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, पब्लिकेशन भी करना पड़ता है, डायरेक्ट मार्केटिंग है ना, इसको सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग बोलते हैं इसको, एंड देन सेल्स प्रमोशन। उनके चारों के बीच में क्या रखा जाता है, प्रॉपर बैलेंस रखा जाता है। एंड देन मैसेज स्ट्रेटजी, तो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने लोगों को कौन सा मैसेज हम उसको प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो मैसेज हम प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड, है ना, सो दैट कस्टमर कैन अट्रैक्ट, है ना, इस चीज को हम ध्यान रखते हैं। देन चैनल मीडिया स्ट्रेटजी, हाउ टू रीच द टारगेट ऑडियंस, इस चीज का डिसीजन लिया जाता है इसमें, है ना, मैसेज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन टू कम्युनिकेट, है ना, कितने समय के इंटरवल के बाद में हम उनको कम्युनिकेट करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना, आप लोग देखेंगे ना, कोई एडवर्टाइजमेंट हर 15 मिनट में आते हैं, है ना, कुछ होते हैं दिन में दो बार आते हैं, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी, वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या थे आपके 4 P's थे, जिसको किसने दिए थे, मैकार्थी ने दिए थे, ठीक है, लेकिन ईयर 1981 में इसमें 7 P's का मॉडल को प्रपोज किया गया था, ठीक है, तो जिसमें 7 P's में क्या था, जो 4 P's है वो तो थे ही, साथ में जो 3 P और ऐड किए गए थे वो थे आपको प्रोसेस, पेपर एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है, तो ये जो 3 और P's हैं उसको 81 में प्रपोज किया गया था, दिया गया था, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, तो इसको दिया गया था बिटनर, तो इसने दिया था गोम्स एंड बिटनर, ठीक है, तो 7 P's में जो 4 P's थे वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में जो 3 additional P's हैं वो प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस, ये क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं ना, हमने 4 P's तो देखे हैं, तो 5 और P आपका पीपल है, है ना, पीपल, तो पीपल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी आएंगे और जो कस्टमर्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, तो ह्यूमन फैक्टर हु पार्टिसिपेट इन द सर्विस डिलीवरी, ठीक है, तो ये जो 3 additional P's हैं ये किसके लिए रखा गया, इसको सर्विस मार्केटिंग के लिए, ठीक है, सर्विस मार्केटिंग में हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो सर्विस मार्केटिंग के लिए क्या है, ज्यादा एप्लीकेबल है ना, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, तो सेवाएं क्षेत्र कौन कौन सी होती हैं, हॉस्पिटल है, टूरिज्म है ना, एजुकेशन है, तो ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, तो ये सब क्या है आपके सर्विस सेक्टर्स हैं, तो ये सर्विस सेक्टर पे ज्यादा ये 3 P एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला है आपका ह्यूमन फैक्टर, हु पार्टिसिपेट इन सर्विस डिलीवरी, तो इसमें क्या होता है कि पीपल के लिए पीपल द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है, तो इसमें ह्यूमन फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, एंड सर्विस पर्सनल हु रिप्रेजेंट द कंपनीज वैल्यू टू द कस्टमर, तो सर्विस पर्सनल क्या होते हैं, जो सर्विस को प्रदान करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो कि कंपनी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से हम क्या करेंगे, कंपनी को जज करते हैं,
ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय चीट करते हैं हम उस कंपनी को ही है ना चीटर घोषित कर देते हैं। तो ये और जो इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर्स, तो यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो कस्टमर का इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेन भी किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द कस्टमर्स। ठीक है, तो इन सबको इसमें ध्यान रखा जाता है। उसमें देखते हैं मार्केटिंग डिसीजन में क्या लिया जाता है मार्केटिंग डिसीजन। तो इसमें स्टाफ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, तो यहाँ पे जो ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है जिनके सॉफ्ट स्किल अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल है ना, सामने वालों को समझे उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। उनके यूनिफॉर्म्स प्रॉपर रहने चाहिए जिससे सभी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एम्प्लॉय है और बाकी लोग कस्टमर्स हैं, है ना। अदरवाइज कभी कभी आप लोग मार्केट वगैरह जाते हैं आपको पता नहीं चलता है कौन दुकान वाला है और कौन कस्टमर्स है। कभी कभी कस्टमर को ही बोल देते हैं कि भैया सामान देना घर के, है ना, तो वो बोलता है कि भाई मैं भी कस्टमर हूँ घर के, है ना, तो वो जो फीलिंग एकदम ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, इसलिए उनको क्या पहना जाता है यूनिफॉर्म्स। तो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है आप वहाँ पे जाएंगे तो जो वेटर्स हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं ना। स्क्रिप्टिंग, उनकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब उनको किस प्रकार से लोगों को बोल सकते हैं, लोग किस प्रकार बातचीत करेंगे ना, वो सब उनको सिखाया जाता है ना। प्रॉपर उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है। क्यूइंग सिस्टम, किस प्रकार से लोग आएंगे है ना, कहाँ पे वेटिंग हॉल होगा, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेन को कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, और मैनेजिंग सोशल इंटरेक्शन, तो जो एम्प्लॉय है और कस्टमर के बीच किस प्रकार की इंटरेक्शन होगा, तो ये सारी डिसीजंस को लिए जाते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन, है ना। इसके रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं कस्टमर्स होते हैं उनको प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ये सब मार्केटिंग डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्स है प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से सेवा को प्रदान किया जाता है ना, तो वो एक प्रोसेस, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। आपका हर हर जो कंपनी है उसके लिए क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है ये। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस द प्रोसीजर्स मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज बाय विच सर्विस इज डिलीवर्ड। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उसी में क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो गतिविधियों की प्रक्रियाओं तंत्र और प्रवाह जिसके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप टिकट लेते हैं, है ना, फिर उस टिकट को आप देते हैं ना, तो वो टिकट को फाड़ दिया जाता है, फिर आपको बिठाते हैं। ठीक है, देखिए आपका प्रॉपर प्रोसेस है। या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उसको आप जाके दिखाते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसको अवेल करते हैं। और कहीं आप खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टोकन सिस्टम, तो पहले आप टोकन लेते हैं उसको दिखाते हैं, फिर आपको क्या मिलेगा, फूड मिलता है। तो क्या होगा, उसका प्रोसेस होता है। तो वो एक्टिविटी या मैकेनिज्म होता है, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको सर्विस मिलता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मार्केटिंग डिसीजन ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रोसेस डिजाइन, तो हर प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है ना। ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट हम पहले से तैयार करते हैं, फ्लो चार्ट, है ना, कहाँ कहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो फ्लो होगा, है ना। जैसे आप होटल में जाते हैं, पहले आपका ऑर्डर लिया जाता है, ऑर्डर को लिखते हैं, है ना, और कई जगह एडवांस पेमेंट होता है, तो वो क्या आपका वो फ्लो चार्ट है वो, जिसके हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन, तो कुछ सर्विस क्या होती है आपकी स्टैंडर्डाइज होंगी ना, कुछ क्या होता है कस्टमाइजेशन होगा ना। तो कुछ जो प्रोसेस होगा, जैसे आपको बिल पेमेंट का कई बार एडवांस में देना पड़ेगा, है ना, तो क्या स्टैंडर्डाइज हो गया। कस्टमाइजेशन आपके साथ पूछेंगे कि नमक मिर्चा कितना लगेगा, है ना, तीखा खाएंगे कि फीका खाएंगे, तो क्या आपका आपके हिसाब से वो कस्टमाइज करते हैं। तो ये आपका कुछ चीजें क्या होंगी, स्टैंडर्डाइज होती है, कुछ चीजें क्या होती है, कस्टमाइज होती है ना। डायग्नोसिंग फेल पॉइंट, तो डायग्नोसिस किया जाता है कहाँ कहाँ पे जनरली फेल आदमी, मतलब हमारा जो सर्विस है वो फेल हो जाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होती है ना, ऐसी इंसिडेंट्स जो कि कस्टमर कभी कभी बोल सकते हैं कि यार क्रिटिकल इंसिडेंट्स, मतलब कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, है ना, जिसको अगर हम संभाल लेते हैं तो कस्टमर रिटेन करता है, नहीं तो वो चला जाता है। जैसे कस्टमर ने कभी कंप्लेन किया, तो कभी कभी तो ये कंप्लेन क्या होता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं, तो उसमें अगर आप उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट किए, है ना, या फिर उसको प्रॉपर कंपनसेट करते हैं, तो दोबारा आपको आ सकता है ना। जैसे कई बार कस्टमर को कंप्लेन हो कि वो उसने सही चीजें सही खाना नहीं बनाया था, तो उसको फीस को 50% कर दिए, या फिर उसको फ्री कर दिए, या फिर उसको कूपन कर दिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि आदमी वो रिटेन हो जाता है इस क्रिटिकल इंसिडेंट से। सिस्टम फेलियर, कभी उनका सिस्टम वर्क नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या डिसीजन लिया, ये सब मैटर करता है प्रोसेस में। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको प्रॉपर मॉनिटर और ट्रैक किया जाता है सर्विस सर्विस में, हर प्रोसेस में कि स्टैंडर्डाइज तरीके चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। एनालाइजिंग ऑफ
रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एलोकेशन, तो देखते हैं हमको कितने रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ उसको हमको देना है। क्रिएशन एंड मेजरमेंट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, वो होगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो इसको हम प्रॉपर मेजर करते रहेंगे। अलाइनिंग विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, तो उसके साथ उसी तरीके से हमेशा कोशिश की जाती है कि सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन मैनुअल्स, तो ऑपरेशन मैनुअल को तैयार किया जाता है, ठीक है, तो ये सब भी आप हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ये सब जो निर्णय है प्रोसेस के रिगार्डिंग लिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है फिजिकल एविडेंस, है ना, तो फिजिकल एविडेंस में क्या होता है, तो जैसे अगर सर्विस की बात करते हैं, सर्विस क्या होता है, इंटेंजिबल होता है ना, तो इसमें हम कुछ ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जिससे जो इंटेंजिबल सर्विसेज है वो टेंजिबल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एविडेंस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, द एनवायरमेंट इन विच सर्विस ऑफर्ड, तो ये वो एनवायरमेंट होता है जहाँ पे हम सेवाओं को देते हैं, है ना, वह वातावरण जिसमें सेवा होती है। द स्पेस वेयर कस्टमर्स एंड सर्विस पर्सनल इंटरेक्ट, तो है ना, ये या तो वो जगह होती है जहाँ पे कस्टमर और सेवा और व्यक्तियों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ना, वह स्थान जहाँ ग्राहक और सेवा कर्मी आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल एविडेंस का मतलब हो सकता है, जब आप एक होटल में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरमेंट होता है, वहाँ की ड्रेसिंग्स होती है, वहाँ के जो फर्नीचर्स होते हैं, तो अगर अट्रैक्टिव होंगे तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ का जो सर्विस है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे साफ सफाई अच्छी नहीं होगी, है ना, फैन प्रॉपर नहीं चलेंगे, है ना, कस्टमर लोग प्रॉपर सर्विस अच्छे से ड्रेसअप नहीं होंगे, तो आपको क्या लगेगा यहाँ का सेवा अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या प्रदान करते हैं, आपको एक एविडेंस देते हैं उस सर्विस का, ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एविडेंस। तो क्योंकि सेवा का तो कोई उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो फिजिकल एविडेंस है उसके माध्यम से हम उसको जज कर सकते हैं। टेंजिबल कमोडिटीज दैट फैसिलिटेट सर्विस परफॉर्मेंस, तो ये क्या होती है, आपका जो टेंजिबल सर्विसेज होती है, आपका इक्विपमेंट या फर्नीचर होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सेवाओं को प्रदान करते हैं। आर्टिफैक्ट्स दैट रिमाइंड कस्टमर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, तो इसमें ना कुछ कलाकृतियां होती हैं जो ग्राहकों को सेवा प्रदर्शन की याद दिलाती हैं, ठीक है, अच्छे प्रॉपर वेल ड्रेसअप हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, अगर किसी होटल्स में आपको लगेगा कि भाई यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी होगी, तो ये सब क्या होते हैं, फिजिकल एविडेंस होती है जिससे हम कस्टमर को सर्विस को इंटेंजिबल से टेंजिबल का एहसास कराते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम मार्केटिंग डिसीजंस लेते हैं, तो ये होता है फैसिलिटीज सुविधाएं, तो वहाँ के जो फर्नीचर्स हैं, इक्विपमेंट है ना, एक्सेस है, सुगम्यता, स्पेशल लेआउट, लेआउट आपका एंट्रेंस कैसा रहेगा, है ना, आपको वॉश बेसिन कहाँ होगा, फंक्शनलिटी, इफिशेंसी, तो ये सब चीज़ को बारे में डिसीजन लिए जाते हैं ना, लेआउट कैसा होगा, सिग्नेच ना, जो कुछ चिन्ह होते हैं ना, डायरेक्शन, सिग्नेच, सिम्बॉल्स, है ना, कुछ एरो वगैरह होंगे, कुछ साइन होंगे, ठीक है, इंटीरियर डिजाइन, तो ये सब के बारे में प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग फिजिकल एविडेंस ना, फर्नीचर, कूलर सिस्टम्स, सब इंटीरियर डिजाइन में आएंगे, एम्बियंट कंडीशंस, नॉइस, एयर टेम्परेचर, इन सब को प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा जिससे इरिटेट ना हो कस्टमर। डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी, स्टेशनरी, ब्राउचर्स, तो ये सब के बारे में ध्यान रखिए जिससे क्या होगा, हमारा जो सर्विस है ना वो लाइव हो जाए। आर्टिफैक्ट ना, कलाकृतियां, सोविनियर्स, है ना, सोविनियर्स, मेमोरेंट्स। हाँ सपना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो क्लिक हो गया था वैसे। ऐसा क्या? हाँ 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 हाँ, वो ना उस क्वेश्चन पूछने के लिए ना हाथ उठाने के लिए रहता है वो, जो भी क्लिक किया था। यस सर, ठीक ठीक ना, तो ये सब क्या मार्केटिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं जब हमको फिजिकल एविडेंस, अच्छा फिजिकल एविडेंस हमको दिखाना है ना, मतलब भौतिक साक्ष्य बोल सकते हैं इसको आप, तो इसमें हम ये सब चीज को ध्यान रखते हैं ताकि वहाँ का वातावरण अच्छा रहे ना, अच्छी म्यूजिक बजती रहे है, तो इससे अच्छा सर्विस क्वालिटी का अनुभव होता है। तो ये सब क्या थे, आपके 7 P's हैं, है ना, ये सब आपको हिंदी में भी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 7 P's किसने दिया था, आपका बिटनर्स ने दिया था, है ना, बूम्स एंड बिटनर्स ने, इसको आप ध्यान रखिएगा, 7 P's का दिया था, और ये 1981 में दिया गया था इसको, ठीक है। तो इनका ना बुक भी आता है, बिटनर्स और बूम्स एंड बिटनर्स का, सर्विस मार्केटिंग की बुक भी आती है इनकी,
तो ये जो जो 4P है उसमें 3P को एक्स्ट्रा ऐड किए थे, तो जो इसमें 7P बनता है सर्विस सर्विस मार्केटिंग में काम आता ही है। इसमें पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, इन तीन चीज को याद रखिएगा। तो एग्जाम में आते हैं कि ये एडिशनल 3P वो कौन से हैं जो सर्विस मार्केटिंग में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद ना 1990 में है ना लूथर बर्न ने 4C दिया था, 1990 में 4C दिया था। तो ये रॉबर्ट एफ लूटर बॉर्न है ये, ठीक है, जिसने जो 4 P's को 4 C's में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो कभी कभी 4 C's भी पूछ देगा, 4 C कौन कौन से हैं। तो प्रोडक्ट को इसने क्या किया, कस्टमर से रिलेट किया, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इस प्रकार होना चाहिए होता है जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बनता है ना। तो कस्टमर के नीड्स और वांट्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। तो प्रोडक्ट या सेवा ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हो। इसलिए इसने क्या बोला कि कस्टमर को हमको फोकस करना है ना कि प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये इसने इसलिए इसने क्या कर दिया, ये इसने क्या दिया हमको, कस्टमर को, ये कस्टमर को ध्यान रखना है। एंड कॉस्ट है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है कि वो वैल्यू होता है जिसमें वो प्रोडक्ट आपको बन के हमारे तक आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा ना। तो सबका ये ओवरऑल कॉस्ट होता है ना। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉस्ट इतना होना चाहिए कि कस्टमर भी उससे खुश रहे। देन कन्वीनियंस, ठीक है। तो कन्वीनियंस तो अभी क्या है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं, बाजार नहीं जाते हैं ना, हमको अब सुविधा अनुसार हम घर से ही काम करते हैं, ठीक है। अभी बढ़िया घर में बैठे बैठे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो क्या आपको ये एज पर योर कन्वीनियंस है, ठीक है। मूवी में हमको लाइन नहीं लगाना है तो हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, तो ये क्या हमारा कन्वीनियंस है, जिससे हम उसको, हालांकि हम जाके वहीं देखते हैं लेकिन वो लाइन लगनी नहीं पड़ेगा आपको। तो इसमें एक कन्वीनियंस को हमको ध्यान रखना है, जिससे हम लोगों को, कस्टमर को सेवा या फिर प्रोडक्ट ऑफर कर सकें, है ना। और फिर नेक्स्ट बताया उसने कम्युनिकेशन, तो बोले कि सिर्फ प्रमोशन करने से काम नहीं चलेगा, है ना, लोगों को प्रॉपर वो कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी देने के लिए जिन जिन माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, सब आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा आपका। इसमें वर्ड ऑफ माउथ पब्लिकेशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, पब्लिसिटी आएगा इसमें, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ जाएगा इसमें, ऑफलाइन कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। तो ये वो सब तरीके होंगे जिसके माध्यम से हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट फीचर के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 C's, तो 4 P's को 4 C में इसमें रिप्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। ये कब किया गया, 99 में किया गया है। और इसको किसने प्रोपोंड किया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और किस चीज को किससे रिप्लेस किया है ये भी आपको पता रखिएगा, है ना। कई बार एग्जाम में आपको सही जोड़ी में भी बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में क्या हुआ है कि ये जो 4 P's हैं, है ना, जो मैकार्थी ने डेवलप किया था, तो इस 4 P को फिलिप कोटलर ने इसको चेंज किया है, ठीक है। चेंज किया मतलब इसमें एक मॉडर्न मार्केटिंग भी दिया है। तो पिछले बार के सेट में एक क्वेश्चन आया भी था कि मॉडर्न 4 P's कौन से हैं, तो इसने इसको पीपल प्रोसेस प्रोग्राम और परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसे ये 4 P's दिए हैं, है ना। मतलब कि वो जो 4 P's दिए थे वो पुराने के कंटेक्स्ट में थे, है ना, वो 1960 के अकॉर्डिंग है, और अभी के टाइम्स में, है ना, जो पुरानी चीजें हैं वो जरूरी नहीं कि अभी तक वो रिलेवेंट रहे, है ना। तो उसके हिसाब से फिर ये 4 P's दिए हैं। तो इसमें वे इसका जो डिस्क्रिप्शन है पीपल और प्रोसेस का, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसको ध्यान रखिए, मॉडर्न 4 P's किसने दिया है, फिलिप पोटलर ने दिया है ना, जिनको मार्केट फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है इनको, ठीक है। इनकी बुक्स भी चलती हैं मार्केटिंग में, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं भी आपको जो ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ वो फिलिप पोटलर की बुक से ही होता है वो, ठीक है। तो इसमें जो पी है, पहला पीपल है ना, पीपल क्या है, दो डिफरेंट कैटेगरीज में बताए, एक तो बताए इसमें एम्प्लॉइज, है ना, और दूसरा क्या बताए इसमें, कस्टमर्स बताए, है ना। अपन वो पीपल अपन उसमें भी देखे थे, तो द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज के बारे में बताया कि 10 एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल मार्केटिंग। तो अपनी एम्प्लॉय का ध्यान रखना क्या कहलाता है, वो इंटरनल मार्केटिंग कहलाता है, जिसको हम लोग और पहले भी देखे थे। द मार्केटिंग एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग एट अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं एम्प्लॉय के वर्किंग से ही रिफ्लेक्ट होती हैं, और कस्टमर्स होती हैं, तो कस्टमर को हमको फुली इस प्रकार से उनके साथ ट्रीटमेंट करना कि उनका ट्रस्ट हमेशा बना रहे। इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रूली इफिशियंटली मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केटियर नीड्स टू सी देयर
प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइंट एज पीपल ना, तो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों क्लाइंट होते हैं जो कस्टमर है वो. दस द अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर. तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर को हमको समझना पड़ता है, क्योंकि एक जो कंज्यूमर होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है ना, और हर किसी को आप एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं. उनको प्रॉपर समझना है ना, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना, क्योंकि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आपके क्या है, क्लाइंट होते हैं ये. ठीक है, तो ये पीपल वही है और प्रोसेस वही होता है जो स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू हम अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, है ना. तो फिलिप पोर्टर ने बताया कि द मार्केटिंग एक्टिविटीज इम्प्लाइज सेवरल प्रोसेस ईच एंड एवरी डन एवरी वन गवर्न द क्रिएटिविटी डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर, है ना. तो जो प्रोसेस होती है इसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, डिसिप्लिन होती है, स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो आपका पूरा कंप्लीट सेट होता है ना, बोल सकते हैं कि ये रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोसेस में क्या होता है, आपका प्लानिंग होती है. सीइंग एंड प्लानिंग ईच एक्टिविटीज एज प्रोसेस विल रिवील्स अ मोर इफेक्टिव मार्केटिंग एंड विल ऑल्सो बी फाउंडेशन ऑफ नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग न्यू इनसाइट्स एंड क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है, तो हम ऐसे इस प्रकार से इसमें प्लानिंग करते हैं जिसमें हम एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना. प्रॉपर एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म करना है, डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, जिसके हम प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करेंगे वो प्रोसेस होता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोग्राम. तो फिलिप कोटलर ने क्या किया है कि जो फोर पीस थे, है ना, फोर पीस आपका मैकार्थी वाला, तो सारों को बोला कि वो सब चारों अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है, और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम प्रोग्राम बोलते हैं. ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन ऑर्डर टू रीच ए हायर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. फोर पीस मस्ट नॉट बी ट्रीटेड सेपरेटली, दे शुड बी रिकॉर्डेड एज ए वन. इन सबको एक ही पी माना गया है. ठीक है, और चारों को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कंपनी में हायर डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम को क्या बोले, तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन. तो सबका क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसी को क्या कहा गया, इसमें प्रोग्राम कहा गया है. देन होता परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस क्या होता है, द परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्टिविटी और डिसीजन. तो इसमें हम इसमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इसमें मेजर करते हैं. ठीक है, जिसमें पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी और डिसीजन, इसमें हमको क्या आउटकम मिला है. ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, तो उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं. क्योंकि आप जैसे एचआर में पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, तो उसको परफॉर्म किया गया कि नहीं किया गया, उसको हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. In addition to this, Kotler emphasizes the importance of analyzing the implication beyond the company itself, thus taking into consideration social responsibility, the community or legal ethical issues. तो इसमें social responsibility का ध्यान रखा जाता है ना, तो हम perform कर रहे हैं तो social responsibility उसमें included हो, community है, legal है. The original four-piece model is ideal for optimizing the marketing mix of an operations due to its ability to address the key questions. The newer formula presented by the Kotler will apply to all the discipline in a company, facilitating the alignment of the entire set of activities. ठीक है, तो इसमें ये बताएंगे जो original four-piece थे, ये आपके ability को address करते हैं, है ना? और लेकिन जो नया four-piece है उसको हम सभी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जिससे सभी एक्टिविटीज में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न है ये. तो यहाँ तक तो एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है. ठीक है, ये फोर पीस तक का, मॉडर्न फोर पीस तक का. उसके बाद अगर आगे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, अगर फोर इज भी डायलॉग है इसमें, तो जो फोर इज है उसको एक्सपीरियंस एवरी प्लेस एक्सचेंज इवेंजलिज्म बोलते हैं इसको, है ना, इन्वेजलिज्म. तो ये क्या होती है, तो एक्सपीरियंस क्या होता है कि ये जैसे आप सेवा का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक आ गया कि कोई प्रोडक्ट आदमी तब लेता है जब उसको वो अनुभव करता है, फील करता है ना. जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. तो बोलते हैं आजकल ना टेस्ट करना बहुत जरूरी है ना. जैसे
दो दिन का डेमो क्लास भी हम लोग देते हैं, तो वो किस लिए, ताकि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकें ना, क्वालिटी को आप महसूस कर सकें, ठीक है। तो होते हैं तो प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सपीरियंस देना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ना एवरी प्लेस। तो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है वो सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए, है ना। एक्सचेंज मतलब मनी के साथ में जो आप सेवा दे रहे हैं ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये एक्सचेंज वैल्यू है ये, है ना। तो मतलब ये प्राइस को डिनोट करता है एक्सचेंज, तो ये आपका प्राइस वैल्यू क्या होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए। और इनविजिबलिज्म ये क्या होता है, ये बोलते हैं कि सिर्फ प्रमोशन करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, प्रमोशन का रिप्लेसमेंट है ये उनको कस्टमर को एजुकेट करना है आपको, है कि उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करेंगे। तो दिस इज रिलेटेड टू द एजुकेटिंग द कस्टमर रिगार्डिंग द यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे यूज करना है ये उससे संबंधित है। तो ये फोर ही समझ में आया आपको, एक्सपीरियंस एवरी प्लेस एक्सचेंज एंड इवेंजलिज्म, ठीक है। तो ये आपका रिगार्डिंग टीचिंग है ये, है ना, टीचिंग द कस्टमर, कस्टमर को टीच करना ताकि उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। क्या समझ में आपको, ज्योति जी आया समझ में? जी सर आ गया। हाँ हाँ ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि फोर इज में क्या है ना, कौन सा फोर ई में है, तो उसको हम ये बता सकते हैं, ठीक है। और एक ना नया फोर पीज है ये ना, 2018 के आसपास में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो मैंने जो देखा था वो 2018 आसपास में मुझे ये दिखा था। तो इसमें बताएं कि पैशन बताए हैं, है ना। तो पैशन क्या होते हैं कि आजकल प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, ब्रांड वैल्यू होती है। तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना जिससे लोग अपने पैशनेट हों और उसको खरीदना पसंद करें। तो मतलब कस्टमर में क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, है ना, एंड पर्पस। तो कस्टमर का जो पर्पस है उस प्रोडक्ट को यूज करने से प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रॉपर सॉल्व होना चाहिए, है ना। और प्लेटफॉर्म मतलब जहां आप उसको प्लेस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है ना, जिसके थ्रू आप उसको सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। एंड प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, मतलब वो कॉम्बिनेशन होता है ना, किन के कॉम्बिनेशन से आप प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज हैं जिनके थ्रू आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, है ना। तो उसमें ऐसा कुछ यूनिक चीज होना चाहिए जिसको अदर कॉम्पिटिटर में वो चीजें ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रीपोजिशन होना चाहिए, मतलब हमने यूएसपी देखा था यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, तो उस प्रकार चीजें प्रोडक्ट में आपको होना चाहिए जिससे लोगों को अपील करे। तो ये क्या आपका न्यू फोर पीस है, तो आप देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो आज काफी थोड़ा टाइम भी हो गया है और अभी एक कंटेंट और था, और कल फिर हम लोग प्रोडक्ट को अलग से पढ़ते हैं ना, जिस प्रोडक्ट का जो कंटेंट है उसको हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास था पूरा मार्केटिंग मिस के लिए था, ठीक है। तो फिर आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो क्लास आज यहीं का।